हेलो, नमस्कार दोस्तों। 14 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं कौन कौन से एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है ये एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नीचे यहाँ पे जो आर्टिकल है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो हमारे लिए कुछ इतना काम का नहीं है कि यहाँ पे जो आर्टिकल है ये किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है उसको लेके ही है, तो इसमें कुछ खास पॉइंट है नहीं नए जो हम यहाँ पे एग्जाम के नज़रिए से यूज़ है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अगले जो यहाँ पे आर्टिकल है ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है, तो इसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है यूजीसी के द्वारा, तो इसमें 13 पॉइंट जो रोस्टर है उसको डिस्कस किया गया, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है भाई 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। इसके साथ यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है ये मेनली रोहिंग्याज के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर इस आर्टिकल को डिस्कस है वो किया गया है। तो हम आगे अब देखते हैं कौन ये डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो आर्टिकल आ गया है इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है सबसे पहले कि देखो, हमारे देश में गवर्नमेंट ने टारगेट ये रखा था कि भाई 2022 तक हम 175 गीगावाट एनर्जी है वो एक्चुअली भी रिन्यूएबल सोर्स से प्रोड्यूस है वो करेंगे, मतलब उनमें हम कोई भी फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज़ है वो नहीं करने वाले हैं। अब 175 गीगावाट में भी फिर अलग अलग प्रावधान किया गया था। इसमें ही किया गया था कि 100 गीगावाट जो एनर्जी है वो तो हम करेंगे सोलर से एनर्जी से। इसका किया गया था कि 60 है वो की जाएगी यहाँ विंड के थ्रू, ये विंड है। इसके बाद में तो 10% सॉरी, जो 10 गीगावाट की बात की थी वो की थी बायोमास के द्वारा, और जो बची हुई 5 है उसकी बात की गई थी कि भाई जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनकी हेल्प से इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस हो किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो तैयार करनी है। फिर इसमें देखो, अभी दिक्कत ये आ रही थी गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जिस तरीके से अपना टारगेट लेके चल रही है ना उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि गवर्नमेंट ने टारगेट तो ले लिया कि भाई हम 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेंगे, बट उस 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो एवरी ईयर का जो भी टारगेट रखा गया है कि भाई हर साल हम इस तरीके से ग्रोथ करेंगे, वो टारगेट गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पा रही है। तो फिर आगे राइटर का कहना है कि देखो, अभी मैं जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बार फिर अपना नया स्टेटमेंट दिया कि भाई हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 175 की बजाय 225 गीगावाट करेंगे। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो आपने जो पहले टारगेट रखा है 175 गीगावाट का, आप पहले उसी को कंप्लीट कीजिए। आपसे वो तो अचीव हो नहीं रहा और इसके साथ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमने 175 तो हम कर लेंगे, हम 225 करेंगे। आपने पहले जो टारगेट रखे अपने उन टारगेट को आप अभी अचीव कीजिए, क्योंकि जो अभी रिसेंट जो डाटा है, जो रिसेंट हमारे देश की कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी से लाइट प्रोड्यूस करने की वो है 69 गीगावाट। तो आप देख सकते हो कि एवरी ईयर अगर 69 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो देखा जाए तो हमें प्रोड्यूस करनी है वो करनी है 175 गीगावाट। तो इसके लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत वो करनी होगी और गवर्नमेंट को अपने जो प्लान है उनमें कुछ चेंजेस करके फिर तेज़ी से काम है वो करना होगा इस दिशा में, तभी हम हमारे जो टारगेट है 175 गीगावाट का वो हम प्रोड्यूस है या उसको हम अचीव है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, एक बात सामने आती है कि भाई गवर्नमेंट आखिर अचीव क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हम गवर्नमेंट को सामने या गवर्नमेंट को फेज आउट करने पड़ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज हो यही है कि सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है जब भी, तो टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा बीच में इंडिया के लिए पॉइंट आ जाता है कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बैरियर बन जाती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो हमारा टारगेट रखा गया है 175 गीगावाट का उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद में बात की जाए दूसरा कॉमन इशू, जैसे कि फाइनेंशियल, की गवर्नमेंट के पास पैसे का थोड़ा इशू रहता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट है वो प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टमेंट वगैरह वो नहीं कर पाती है। इसके बाद बात आती है कि गवर्नमेंट कई बार इलेक्ट्रिसिटी बना तो लेती है बट उसको ढंग से प्रमोट नहीं कर पाती है, लोगों को अवेयर नहीं कर पाती, तो लोग क्या है कि उसके प्रति एक तरीके से कोई भी मतलब रुचि वगैरह नहीं दिखाते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि उसका कोई प्रॉपर फायदा वगैरह गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही बात यह है कि जो रेगुलेटरी की इशू बहुत बढ़ाता है, कई बार अनियमितता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। किस प्रकार, जैसे कई बार तो हवा वगैरह तेज़ चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बट कई बार हवा वगैरह कम चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ना कि कहीं ना कहीं इनरेगुलरिटी या अनियमितता वो बढ़ रही है। तो इस अनियमितता की वजह से लोगों का भरोसा है वो थोड़ा बना हुआ नहीं है कि यार पता नहीं आज बादल रहेंगे तो सोलर एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो हम हमारे क्या काम के उपकरण वगैरह, ऐसी बातें को सामने आती हैं। अब देखो, यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने अपना एक टारगेट और रखा था। गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई जो 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें भी 40 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रूफ टॉप से प्रोड्यूस की जाएगी। मतलब जो सोलर पैनल है वो छतों के ऊपर लगाए जाएंगे, घरों की जो छत है उसके ऊपर लगाए जाएंगे। अब इसमें क्या इशू आ रहा है, ये भी एक बड़ा चैलेंजेज है। क्यों? क्योंकि इसमें चैलेंज देखो ये आ रहा है कि लोग है ना वो चाहते नहीं कि अपने उनके घरों के ऊपर सोलर इलेक्ट्रिसिटी पैनल वो लगाए जाए। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके के प्रति कोई मतलब एक तरीके से उनको इंटेंसिव वगैरह गवर्नमेंट है वो नहीं दे रही है।
मतलब बात ये कि गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल अप्रोच अपना रही है, लोगों को एक तरीके से प्रमोट नहीं कर रही है, लोगों को कोई इंटेंसिव वगैरह भी नहीं दे रही है। उसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि यार क्यों हम हमारी छतों के ऊपर रूफ टॉप वगैरह लगाएं, हमें तो इसका कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए राइटर का कहना है कि देखो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेके आई थी नेट मीटरिंग का, कि भाई क्या है नेट मीटिंग, एक बार पहले वो देख लेते हैं। नेट मीटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो अभी तो ये होता है कि जैसे ये हमारा घर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है और ये इधर से लाइट आ रही है, तो क्या होता है लाइट इधर से जैसे जो ही मेन लाइन से लाइट आती है मीटर से होते हुए हमारे घर में एंट्री वो करती है। बट ये तो होता है नॉर्मल मीटर जो कि आजकल हमारे घरों में यूज है वो होता है, जबकि नेट मीटरिंग में कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी इस मीटर के थ्रू वापस फीडर के थ्रू पास ली जाती है, मतलब रिवर्स प्रोसीजर भी इसमें होती है। तो इसमें बाई जो मैनुअल मेथड है वो इसमें यूज है वो किया जाता है यहाँ पे, तो इस मेथड को कहते हैं नेट मीटरिंग। तो इसमें क्या होता है जैसे कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि हमने पूरे दिन में 5 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी है वो तो यूज़ किया है, जबकि हमने प्रोड्यूस की है 10 यूनिट, तो 5 जो यूनिट एक्स्ट्रा रहेगी ना वो यूनिट फीडर के पास ले जाएंगी और उन 5 यूनिट का पैसा है वो हमें मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है वो होता है, इसको कहते हैं नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट। तो राइटर का कहना है कि जो डोमेस्टिक जो ओनर वगैरह जो मालिक वगैरह हैं उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट है वो कोई भी इंटेंसिव वगैरह नहीं दे रही है। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कुछ इंसेंटिव वगैरह देना चाहिए ताकि जो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है उसको भी गति मिले। हालांकि देखो गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च तो कर दिया है बट फिर भी स्टेट गवर्नमेंट इसके प्रति इतनी कुछ रिलेवेंट नहीं दिख रही है और उसकी वजह से प्रॉपर फायदा वो सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद में देखो बात ये की जा रही है कि गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट रखे हैं ना इनका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे देश ने ये प्रावधान रखा था पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत कि भाई हम जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको भी हम करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है जो टारगेट रखे गए हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत उनको भी हम कहीं ना कहीं अचीव हो कर पाएंगे, तो हमें डबल फायदा इससे होने वाला है। तो इस तरीके से राइटर के द्वारा जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। एक चैलेंजेस यहाँ पे और आता है वो आता है सोलर सेल की बात। देखो एक इश्यू सबसे बड़ा अभी रिसेंटली है जिसको लेके काफ़ी बड़ा बवाल भी रहता है, कि बार यूएसए इंडिया पे आरोप भी लगाता है कि इंडिया में जो सोलर पैनल या जो सोलर सेल बनाए जाते हैं ना वो पड़ते हैं महंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लगते हो कि इंडिया अगर बना रहा है सोलर पैनल तो वो पड़ता है अप्रोक्सीमेट 100 रुपये का एक पैनल, जबकि जो पैनल बाहर से आ रहे हैं जैसे चाइना हुआ या यूएसए से जो सोलर पैनल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50 रुपये में। तो आपको पता है कि लोग तो ऑब्वियसली सस्ते वाले को खरीदना प्रेफर करेंगे, बट दिक्कत क्या आ रही है इससे, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई वो लोकल जो प्रोडक्शन है ना मतलब इंडिया की कंपनियां उनको प्रमोट के लिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कई बार इन पे टेरिफ बैरियर लगा देती है जो बाहर वाले आते हैं ना चाइना और यूएसए से इन पे, कि नहीं भाई आप 50% टेरिफ बैरियर लगा दिया तो उनकी रेट और फिर इंडिया वालों की जो डोमेस्टिक है उनकी रेट इक्वल हो जाती है। तो राइटर का यह कहना है कि देखो गवर्नमेंट को जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना इनका फोटोवोल्टिक सेल का इनका भी उसमें भी एक्चुअली सस्ते करने चाहिए, मतलब उन पे जो ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है उनको कम करना चाहिए, रॉ मटेरियल को थोड़ा सस्ता करना चाहिए ताकि इंडिया में अगर सस्ते मात्रा में प्रोड्यूस किए जाएंगे तो लोग सस्ते को खरीद पाएंगे। अभी हो क्या रहा है गवर्नमेंट बाहर से सस्ते को तो बैन कर रही है और जो इंडिया में महंगे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप इनको खरीदो, तो इससे क्या है कि लोग थोड़ी इसके प्रति अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ अट्रैक्टिव पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि लोग इस दिशा में कदम उठाएं और लोग जानबूझ के एक जरूरी अपने आप हैं वो खुद कदम उठाते हुए और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ें। तो ये इसके द्वारा कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे बताए गए हैं। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है यहाँ पे वो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के बारे में बताया गया जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। देखो इसमें राइटर के द्वारा अपने कुछ पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं तो इसे हम कहीं यूज़ कर सकते हैं सजेशंस वगैरह में। इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे भाई 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम होता क्या है एजुकेशन में। देखो ये जो मेनली 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है ये मेनली टीचर्स की जो फैकल्टी होती है उसके रिजर्वेशन के लिए यूज है, इसको मेनली किया जाता है। तो थोड़ा इसे समझने की कोशिश वो करते हैं। जिस प्रकार देखो ओबीसी में आपको पता है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन वो दिया गया है, एससी को 15% और एसटी को दिया गया है 7.5% रिजर्वेशन। अब देखो इस 13 पॉइंट रोशन सिस्टम का काम कुछ इस प्रकार है कि जैसे टोटल सीटें होगी 100 कि 100 सीटों को हमें डिवाइड करना है रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो क्या होता है ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं, 100 जो सीटें हैं उनको 27 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3.7, तो मतलब अप्रोक्सीमेट आ गया 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओबीसी को 100 सीटों में से हर चौथी सीटें ओबीसी की होगी, मतलब जैसे कि चौथी सीट ओबीसी होगी फिर आठवीं सीट ओबीसी होगी, इस तरीके से सीटें वो भरी जाएंगी। तो उसके बाद आती है एससी का, तो एससी का है 15% रिजर्वेशन, तो उसका मतलब क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 15, तो इसका मतलब हो गया 6.7, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट 7। इसका मतलब ये हो गया कि हर सातवीं सीट है वो एससी का कैंडिडेट्स के द्वारा फिलअप की जाएगी।
इसके बाद में बात आती है एसटी की, तो एसटी में क्या हो गया 7.5% रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाई 7.5 इक्वल टू हो गया 13.3, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 13 या 14 आप जो भी ले लो, कि मतलब हर जो 13वीं सीट है, जो 14वीं सीट है, वो एसटी के कैंडिडेट के द्वारा फिलअप की जाएगी। तो इसको लेकर राइटर का ये कहना है कि भाई ये सही नहीं है, और इसी सिस्टम को कहते हैं रोस्टर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। राइटर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वो प्रॉपर ढंग से सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो देखा जाए तो टोटल रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, 27 + 15 + 7.5 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 49.5%, जबकि अभी रिसेंटली दिया कितना जा रहा है, रिसेंटली दिया जा रहा है इस रोस्टर सिस्टम के तहत दिया जा रहा है 35.71%। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 14% ये यहाँ पे हो गया, इसके साथ ये 7 सीटें यहाँ पे होगी और 4 ही होगी, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल हो रहा है हमारे पास 35%। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो मेथड है वो सही सक्सेसफुल काम नहीं कर रहा है, इसलिए राइटर इस मेथड का विरोध कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम किससे रिलेटेड है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इससे डायरेक्टली पूछ सकती है, तो आपको ध्यान रखना कि एजुकेशन में रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो काफ़ी बार काफ़ी न्यूज़ या स्कीम्स ऐसी आती हैं जो मैं एडिटोरियल में भी प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप प्लीज़ उन पर भी थोड़ा फोकस है वो करके रखिएगा। अब चलते हैं आगे, अगली बात आती है यहाँ पे राइटर का सजेशन दिया जाता है वो हम देखते हैं। राइटर का भी कहना है कि भाई देखो जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है ना, इसकी वजह हमें यूज करना चाहिए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का मतलब ये है कि हर जो दूसरी सीट है ना उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब जैसे कि हर 200 पॉइंट रोस्टर का मतलब यह है कि हर दूसरी सीट है उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके बाद जो दूसरी सीट पर रिजर्वेशन किया गया, जैसे कि पहली सीट पर रिजर्वेशन हो गया, तीसरी पर रिजर्वेशन हो गया, पांचवीं पर रिजर्वेशन हो गया, सातवीं पर रिजर्वेशन हो गया, नौवीं पर रिजर्वेशन हो गया, ग्यारहवीं पर, इस तरीके से रिजर्वेशन होना चाहिए। और उसके बाद इसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया जाए कि जो तीसरी सीट है वो ओबीसी को मिलेगी या किसको मिलेगी, उसके बाद में अलग अलग प्रक्रिया वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फायदा ये हो जाएगा कि टोटल सीट होगी यहाँ पे देखा जा रहा है 200, तो 200 में से हर दूसरी सीट पर रिजर्वेशन हो रहा है देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 50% रिजर्वेशन, क्योंकि हर दूसरी सीट वो रिजर्वेशन की हो रही है। तो अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 49.5%। तो इसके लिए ये करना चाहिए, राइटर का कहना है कि भाई जो 200वीं सीट है ना उसको एक्चुअली आप अनरिजर्व रख दिए, मतलब जो लास्ट की सीट है ना उसको आप अनरिजर्व कर दीजिए, तो अपने आप ही जो रिजर्वेशन वो हो जाएगा 49.5%। तो इसके द्वारा नया कॉन्सेप्ट है वो दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार चलो आपको फिर से बता देता हूँ, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का मतलब ये है कि हर दूसरी सीट है उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके बाद जो रिजर्वेशन वाली सीट है उसका डिवाइडेशन है वो कर देना चाहिए कि भाई वो एससी को मिलेगी, एसटी को मिलेगी, ओबीसी को मिलेगी, इनका कॉन्सेप्ट ये है। 13 पॉइंट का जो मैंने आया था वो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो इसमें बाद में लिखा गया कि लास्ट की जो सीट है, जो मतलब 100वीं सीट ले रहे हो आप, जो भी सीट है उस सीट का आपको बता दिया कि वो अनरिजर्व कर देना, ताकि अपने आप जो रिजर्वेशन वो हो जाएगा 49.5%। ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है राइटर के द्वारा। इसके बाद में राइटर का ये कहना है कि देखो अभी तक हमारे देश में जो भी यूजीसी के द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है कॉलेज वगैरह में, वो एक्चुअली जो भी डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनको एक यूनिट या एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक बॉक्स या एक तरीके से ब्रांच मान के उनको रिजर्वेशन है वो दिया जाता है, जबकि राइटर का ऐसा कहना है कि ऐसे नहीं देना चाहिए। रिजर्वेशन है वो कॉलेज के बेसिस पे देना चाहिए, और टीचिंग क्वालिटी का रिजर्वेशन है वो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के होना चाहिए, इसमें कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर राइटर के द्वारा बताए जाते हैं। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम क्या है वो मैंने एक बार आपको बता दिया, और 200 जो पॉइंट रोस्टर सिस्टम है वो भी मैंने आपको बता दिया। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का मतलब यही है कि हर जो दूसरी सीट है वो रिजर्वेशन, हर दूसरी सीट है उस पर रिजर्वेशन होगा, इसके बाद जो लास्ट भी सीट है 100वीं सीट है उसके ऊपर रिजर्वेशन है वो नहीं होगा, इसलिए कुल रिजर्वेशन हो जाएगा 49.5%। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में क्या था, उसमें यह था कि भाई जो भी जितना भी रिजर्वेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड करो, उसका जितनी सीटें आ रही हैं वो सीट है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिलअप कर दो। जैसे कि ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया 27%, तो इसका मतलब होगा 100 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल टू हो गया 4 अप्रोक्सीमेट, तो मतलब हर चौथी सीट है वो मिलेगी एक्चुअली ओबीसी के कैंडिडेट को, एससी के कैंडिडेट को मिलेगी हर 7वीं सीट, हर एसटी के कैंडिडेट को मिलेगी हर 14वीं सीट। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, बट राइटर का कहना है कि ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ खामी है, इसलिए राइटर अपना सजेशन है वो यहाँ पे दे रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे अगले राइटर की तरफ। अगला जो आर्टिकल हमारा है वो है म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बारे में, तो देखते हैं म्यूनिसिपल जो बॉडीज़ हैं इनके बारे में क्या इस आर्टिकल में बताया गया है। देखो आपको पता है कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा वो दिया गया है हमारे देश में, ये आप अच्छे से जानते हो, कौन से संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन जो किया गया था 93-94 में, उसमें एक्चुअली दर्जा है वो दिया गया है। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन है वो रूरल एरिया के लिए है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो है सिटीज़ के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा बैकग्राउंड के थ्रू हम देख लेते हैं। देखो
आपको पता है कि रूरल एरिया में जब भी इलेक्शन होते हैं सरपंच वगैरह के या ब्लॉक समिति के, उस टाइम पे एक कैंडिडेट तीन तीन तरह तीन वोट देता है। एक वोट देता है वो सरपंच को इलेक्ट करने के लिए, दूसरा वोट देता है वो देता है ब्लॉक समिति का जो मेंबर है उसको इलेक्ट करने के लिए, तीसरा वोट देता है वो जिला परिषद का जो मेंबर सिलेक्ट करना है उसके लिए। मतलब रूरल एरिया में एक आदमी वो तीन वोट देता है एक टाइम पे वहाँ पे। जबकि सिटीज़ में क्या होता है, सिटी में ये होता है कि एक आदमी केवल एक ही वोट देता है। किस प्रकार, या तो वो अगर छोटी सिटी है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे नगर पंचायत होगी तो वो नगर पंचायत का वोट देगा, अदरवाइज अगर सिटी थोड़ी बड़ी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो वो म्यूनसिपल काउंसिल को वोट देगा, अदरवाइज सिटी काफ़ी बड़ी है तो वहाँ पे वो वोट देगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो इस तरीके से वहाँ पे एक ही वोट दिया जाता है जबकि रूरल एरिया में तीन तीन वोट हैं वो दिए जाते हैं। ये तो थोड़ा बैकग्राउंड। अब देखो राइटर का ये कहना है कि भाई हमारे देश में गवर्नमेंट ने ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा तो दे दिया बट इसके बाद भी प्रॉपर ढंग से काम हो नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप वो कर रही है। किस तरीके से हस्तक्षेप कर रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। गवर्नमेंट उस टाइम पे कॉन्सेप्ट तो लेके आती थ्री टीयर लोकल बॉडीज का, बट इसमें प्रॉपर ढंग से काम इस प्रकार नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी देखा जाए तो जो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनकी पावर और जो स्मार्ट सिटीज की पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में अभी गवर्नमेंट है वो स्मार्ट सिटीज की तरफ लगातार फोकस कर रही है। अब गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी तो बनाने की बात कह रही है बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकल बॉडीज है ना, ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, काउंसिल होगा, नगर पंचायत होगी, जिला परिषद वगैरह, इनको प्रॉपर ढंग से पावर वो नहीं दे रही है। तो इस चीज़ को राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे कि किस तरीके से जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो एक तरीके से टूथलेस टाइगर की तरह हाल में जा रही हैं। देखो इश्यूज क्या क्या है, सबसे पहले हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो प्रॉपर ढंग से काम हो नहीं कर पा रही हैं। अदरवाइज देखा जाए तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास देखो पावर तो काफ़ी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे के तहत, बट फिर भी इनके पास पावर है नहीं। एक तो बात यहाँ पे की जाती है कि इनको फंड नहीं मिल पाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रॉपर ढंग से। अब आपको पता है कि बिना फंड तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वो इनको क्या कहते हैं लिमिटेड पावर दे देती हैं, मतलब कुछ लिमिटेड या चाहे इनडायरेक्टली हस्तक्षेप कर देती हैं कि भाई आप है ना इतना ही काम कर सकते हो, उनको फंड काफ़ी डिले से देती हैं, पावर है वो कुछ लिमिटेड कर देती हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद में तीसरी बात होकर जाती है कि इनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। अब देखो आपको पता है कि जो थ्री टीयर सिस्टम था लोकल बॉडीज़ का, उसमें तो आपको पता है कि डायरेक्टली लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं सरपंच वगैरह को, इनको सबको, अगर वो लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई वो जनता के लिए काम करें। बट रिसेंटली हो क्या रहा है कि जो राजनीतिक का जो है पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है ना इन आप बोल सकते हो कि मेयर वगैरह का इन सब का, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सिटीज़ वगैरह जो आप जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना वो कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप वो कर रही है। किस तरीके से हस्तक्षेप कर रही है, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि एक पैरेलल बॉडी बना देती है। इसका सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कि गुड़गांव है उसमें आपको पता है कि हुड्डा सिटी बनाया गया है, एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो हुड्डा सिटी सेंटर का काम क्या है, हुड्डा सिटी सेंटर का काम ये है कि भाई वो जहाँ पे जो भी गुड़गांव वाले एरिया में काम डेवलपमेंट करना है उसके लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है वो, और वो वहाँ के लिए काम है वो करेगा। इसके बाद बात आती है नोएडा के लिए भी, आपको पता है कि अथॉरिटी बनाई गई है तो उस एरिया में, मतलब क्या है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की वजह जो वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी बनाई गई है अर्बन डेवलपमेंट की, वो वहाँ पे काम करेगी। इसके साथ ही आपको पता है कि हर जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो बना दिए जाते हैं, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ की पावर है वो कहीं ना कहीं काट दी जाती है, मतलब उनको लिमिटेड पावर दे दी जाती है, उनकी जगह दूसरी बॉडी वो बनाई जा रही हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे अभी स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं तो आपको पता है कि स्मार्ट सिटी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो भी पावर दी गई है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को नहीं दी जा रही है, वो दी जा रही है एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, मतलब एक अलग से अथॉरिटी बनाई जा रही है, उस अथॉरिटी को पावर दी जा रही है ताकि वो उस स्मार्ट सिटी के लिए काम करें। अब देखो मेनली तो आप कुछ जानते हो कि जो भी स्मार्ट सिटी बन रही है, मतलब एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मेन काम होता है वहाँ की लोकल बॉडीज़ का, बट लोकल बॉडीज़ को यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, दरकिनार कर रही है और एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाकर एक थर्ड पार्टी बना रही है जो कि उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है और उनके फायदे को एक तरह से अमल जामा है वो यहाँ पे पहुँचा रही है। तो राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि देखो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना उनका कैरेक्टर एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकली कैरेक्टर होता है, बट अभी कर क्या रही है गवर्नमेंट हमारे देश की, वो कर ये रही है कि उनका पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है ना इसको कहीं ना कहीं दूर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को बनाए हुए रखना चाहती हैं। देखो स्टेट गवर्नमेंट का मेनली ये मानना होता है कि अगर इन अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास पावर नहीं रही ना तो ये कहीं ना कहीं उनके मामले में हस्तक्षेप करेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देंगी। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए क्या कर रही है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना इनकी जो पावर है उसको लिमिटेड कर रही हैं, इसके साथ ही उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है उसको भी कहीं ना कहीं दबा रही हैं, उनके पास पावर नहीं दे रही है, उनको फंड वगैरह नहीं दे रही हैं, उसकी वजह से अर्बन लोकल बॉडीज़ की वैल्यू वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो लोकल बॉडीज़ की बात की जा रही है उसके डिमांड को फुलफिल वो नहीं कर पा रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए,
और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका मेन काम ही है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर को वो संवार के रखें, इसके साथ ही वो अर्बन एरिया और जो रूरल एरिया दोनों में डेवलपमेंट है वो करें। तो इसलिए गवर्नमेंट को स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जैसी चीज़ों की तरफ फोकस करने की बजाय अर्बन लोकल बॉडीज़ पर ध्यान है वो देना चाहिए। तो ये था कम्प्लीट आर्टिकल। इस आर्टिकल में बेसिकली जो पॉइंट बताए थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। एक आर्टिकल हमारा रह गया रोहिंग्या इशू के, जिसको हम कल की वीडियो में डिस्कस है वो कर लेंगे आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।